वो स्वयं का निर्णय आदमी का अच्छा रहता है, किसी के ऊपर दबाव डाल के हम निर्णय नहीं करना चाहते। पच्छाद उपचुनाव को लेकर मामला गरमाया हुआ है और सुबह से ही कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी के दोनों बागी अपना नामांकन वापस ले लेंगे। ताजा सूचना के अनुसार राजगढ़ के एसडीएम कार्यालय से खबर आ रही है कि आशीष सिक्टा ने अपना विधिवत रूप से नामांकन वापस ले लिया है। इस मौके पर उनके साथ बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती भी मौजूद रहे। आइए देखते हैं सीधी ग्राउंड रिपोर्ट। इसी विचार परिवार ने कि जो चुनाव समिति है उसने 3 लोगों का नाम दिल्ली भेजा हाईकमान के पास, तो विचार हमारा यही है। विचार आपके समर्थक कहते हैं कि आप बिक चुके हैं। नहीं, आज एक मिनट चिट्टा जी, मैं आपको एक मिनट पहले जहां से आप निकले, जहां से आप गाड़ी में बैठे, वहां आपके खिलाफ बिकने के, आपके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगे। बस बस सर, हो गया हो गया हो गया। एक सेकंड रुक जाओ सर, एक सेकंड। वो लोगों की नाराजगी है, लोगों के अंदर रोष है, वो भी हमारे ही लोग, हमारे विचार परिवार के, हमारे ही समर्थन के लोग, उनकी ये नाराजगी है, उस नाराजगी को उनके साथ बैठ के दूर किया। थैंक यू। हमें नहीं जाना है, इसलिए हमने ये निर्णय वापस किया। जिस दिन आपने नामांकन दाखिल किया था, आपने उस दिन बयान दिया था कि किसी भी कीमत पर आप अपना नामांकन वापस नहीं। जी बिल्कुल कहा था, क्योंकि उस दिन का जो माहौल और उस दिन की जो मनस्थिति थी वो अलग थी। उसके बाद एक अपने विचार परिवार के लोगों के साथ बैठकर और सभी लोगों से बातचीत करके जो सारा विषय हुआ, उस विषय के बाद आज हमने ये निर्णय लिया कि हम आपके समर्थन तो लोगों के अंदर नाराजगी होती है। जो हमारे साथ जुड़े थे वो लोग भी कहीं ना कहीं आहत उनकी भावनाएं हुई हैं। हम उनकी भावनाओं की कद्र करते हैं और उनकी भावनाओं को जानबूझकर कुचलने का प्रयास ऐसा नहीं है, लेकिन उन सभी लोगों को मनाकर, उन सभी लोगों से बातचीत करके सिक्टा जी इसी परिसर में इस पूरी प्रक्रिया को करके उन सभी लोगों के पास भी जाएंगे और अपना विषय और अपनी बात। सिक्टा जी इसी परिसर में मैंने आपसे एक प्रश्न किया था, जिसने नामांकन भरा था, कि आप वापिस लेंगे या नहीं, और आपने उस दिन बड़े कड़े दम कहा था कि आप नाम वापिस नहीं लेंगे। मगर आज आपके ऊपर सरकार का इतना क्या दबाव पड़ा कि आपने नाम वापिस ले लिया? नहीं है, देखिए मैं बहुत लंबे समय से विद्यार्थी परिषद और राष्ट्रीय स्वयं आज विड्रॉल का अंतिम दिन है और इस दिन पे हमारे साथी अशीष सिक्टा जी ने, जिन्होंने आजाद प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया था, उन्होंने पार्टी की विचारधारा को देखते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करके, परिवार के लोगों से बातचीत करके अपने इस आजाद उम्मीदवार के निर्णय को वापस लिया है और भारतीय जनता पार्टी का सहयोग देने के लिए उन्होंने विड्रॉल किया है। मैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते उनका पूरी पार्टी की ओर से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने पार्टी के आग्रह को स्वीकार किया और जिस विचार के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी में कॉलेज करने के लिए, हमारे पास पार्टी के पास बहुत सा एक ऐसा क्षेत्र रहता है तो जहाँ भी संभव हो पाएगा उनको साथ लेकर के पार्टी के विचार के लिए आगे भी हम सब लोग कंधे से कंधा मिला करके लड़ाई लड़ेंगे। सर एक अन्य बागी हैं आपके, दयाल प्यारी जी, वो दयाल प्यारी जी से बातचीत हुई है, हो सकता है आज वो विड्रॉल करें। अब उनका कल बातचीत हुई थी और हमारी कोशिश है कि सारा परिवार इकट्ठा रहे, वो चाहे दयाल प्यारी जी हैं, शीत जी से जानने जो भी लोग होंगे, उन सब लोगों को साथ लेकर के हम लोग चल रहे हैं और दयाल प्यारी जी से भी हमने निवेदन किया है। बाकी निर्णय तो आदमी ने खुद, विचार का कोई नुकसान ना हो इस चुनाव के अंदर, इसको मद्देनज़र रखते हुए, बड़े हित को सामने रखते हुए अपने छोटे हित को छोड़ करके उन्होंने निर्णय लिया है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और हमें शुरू से उम्मीद थी कि शीत जी पार्टी के विचार के बाहर नहीं जाएंगे। कुछ रोष शुरू में होता है आदमी को और कार्यकर्ताओं का भी रोष होता है, जिसमें आदमी कई बार थोड़ा चुप रह जाता है, लेकिन आज उन्होंने निर्णय लिया है उसकी हम प्रशंसा करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। सर एक अन्य बागी पार्टी में आने वाले समय में, अशीष जी आने वाले समय में पार्टी में काम करेंगे, विचारधारा का काम पहले भी करते रहे, निस्वार्थ भावना से करते रहे और पार्टी हमेशा हर कार्यकर्ता के लिए हर जगह स्थान है।